अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न 7 ठीक है, क्या कहता है क्रियापदानाम, जो क्रियापद दिए हुए हैं उनको क्रियापदानाम लकार परिवर्तनम करो, उनका हमको लकार परिवर्तन करना है, यानी कि ब्रैकेट में जो है लकार दिया हुआ है उन क्रियापदों को, वाक्यों में जो क्रियापद दिए हुए हैं उन क्रियापदों को जो ब्रैकेट के अंदर जो है लकार का नाम दिया हुआ है उस लकार में परिवर्तन करना है। जैसे पहला है इसके अंदर देखिए, पहला क्रिया पदानाम लकार परिवर्तनम, लकार परिवर्तनम को, पहला है, पहला वाक्य दिया है कहता है छात्राः गीतम गायन्ति, छात्राः गीतम गायन्ति, ये वाक्य दिया हुआ है और इसमें जो गायन्ति शब्द है उसको अंडरलाइन किया गया है, ये क्रियापद है तो इसको हमको ब्रैकेट में दिया हुआ है लिट लकार में परिवर्तित करना है, लिट लकारे ठीक है, लिट लकार में लिखना है तो क्या बन जाएगा हमारा, इसको जो है जब हम लिट लकार में करेंगे तो छात्राः गीतम, छात्राः गीतम और लिट लकार में गाश्यन्ति, ये बन जाए, यानी कि ये धातु जो है ये परिवर्तित हो जाए, इस धातु को इसमें जो है लिट लकार में परिवर्तन करेंगे तो ये रूप बन जाएगा गाश्यन्ति, तो छात्राः गीतम गाश्यन्ति। अगला है हमारा त्वं किं लिखसि, सेकंड त्वं किं और लिखसि, और लिखसि धातु को जो है हमको कौन से लकार में परिवर्तित पूछा गया है, इसको भी लिट लकारे, इसको भी जो है लिट लकार में ही परिवर्तित करना, तो क्या बन जाएगा त्वम, त्वम किम लिखसि है ना, तो इसको जो है लिट लकार में बनाएंगे तो ले खिस्यसि, ये रूप जो है हमारा बन करके सामने आ जाएगा त्वम किम लेखिष्यसि। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 3, कहता है वयम, वयम प्रतिदिनम, वयम प्रतिदिनम अष्टवादने, अष्टवादने वयम प्रतिदिनम अष्टवादने प्रातरासम, प्रातरासम नाश्ता जो है कुर्मह करें, तो कुर्मह जो है इस धातु को हमको किसमें लिखवाना है लोट लकारे, इसको हमको जो है लोट लकार में परिवर्तित करना, लोट लकारे ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा वयम प्रतिदिनम, वयम प्रतिदिनम अष्टवादने, अष्टवादने प्रातरासम, रासम और कुर्मह के स्थान पर जो है हमको धातु परिवर्तित करके करवाम, ठीक है ये हो गया हमारा करवाम ठीक है, वयम प्रतिदिनम अष्टवादने प्रातरासम करवाम, यानी कि कुर्मह धातु को जो है हमने किसमें परिवर्तित कर दिया लोट लकार में और क्या बन गया हमारा करवाम। अगला है
चौथा सैनिका देशम रक्षन्तु, सैनिका देशम और रक्षन्तु, ठीक है। और रक्ष धातु है, इसका हमको परिवर्तित करना है किस लकार में, लट लकारे, लट लकारे, यानी कि हमको लट लकार में इसको परिवर्तित करना है, ठीक है। तो सैनिका, सैनिका देशम, ठीक है। और धातु क्या दी हुई है, रक्षन्तु को किस में करना है, लट लकार में, तो रक्षन्ति ये हो जाएगा परिवर्तित, यानी ये धातु जो है रक्षन्ति परिवर्तित हो जाएगा, ये रक्षन्तु के स्थान पर रक्षन्ति परिवर्तित हो जाएगा, इसके स्थान पर जो है ये परिवर्तित लट लकार के अंदर, ठीक है, रक्षन्ति। अगला है हमारा पांचवा, क्या कहता है, स दूरदर्शनम पश्यति, स दूर दर्शनम पश्यति, ठीक है, स दूर दर्शनम पश्यति, और इसके अंदर कौन सी धातु है, पश्य धातु है, ठीक है। और इसको हमको परिवर्तित करना है लोट लकारे, लोट लकार में इसको हमको परिवर्तित करना है, स दूरदर्शनम पश्यति, तो ये क्या बन जाएगा, स दूरदर्शनम और लोट लकार में पश्यतु, ये हमारा रूप बन जाएगा, पश्यति किसमें परिवर्तित हो जाएगा, लोट लकार की धातु पश्यतु में, ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न, प्रश्न संख्या अगला है हमारा प्रश्न संख्या आठ, क्या है, संस्कृतेन अनुवादम करो, संस्कृत में अनुवाद करो, संस्कृतेन अनुवादम कुरु, ठीक है। पहला, मेरे पिता प्रातः पांच बजे उठते हैं, ठीक है। संस्कृत में क्या बन जाएगा, मम पिता प्रातः पांच बजे पंचवादने क्या करते हैं, उठते हैं, ठीक है। फिर है अगला, दूसरा, दादाजी 8:30 बजे नाश्ता करते हैं, दादाजी 8:30 बजे नाश्ता करते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, पितामह
सार्ध अष्टवादने प्रातरासम करोति। ठीक है, नहीं। अगला है तीसरा, क्या कहता है, मैं सायं 5:45 बजे क्रिकेट खेलता हूं, मैं सायं 5:45 बजे 5:45 बजे क्रिकेट खेलता हूं, मैं साय 5:45 बजे क्रिकेट खेलता हूं, अहम सायं, मैं शाम को 5:30 बजे पादोन 6:30 बजे क्रिकेट खेलता हूं, 5:30 बजे क्या करता हूं क्रिकेट। क्रिकेटम क्रीडामि या खेलामि। ठीक है, अगला अगला है हमारा चौथा, कहता है कि तुम मेरे घर कल 5:15 बजे आना, तुम मेरे घर कल 5:15 बजे आना, 5:15 बजे आना। ओके, तुम मेरे घर कल 5:15 बजे आना, कहता है तुम स्वयं सपाद पंचवादने तुम मेरे घर कल 5:15 बजे सपाद पंचवादने मम गृहम आगच्छ, मम गृहम आगच्छ। ठीक है, फिर है अगला पांचवा वाक्य है, कहता है अभी 10 बजे हैं, अभी 10 बजे हैं। ठीक है, तो कहता है इदानीम दस वादनम अस्ति अभी 10 बजे इदानीम 10 वादनम अस्ति। अगला बस यही है, इसके अंदर ये 5 वाक्य दिए हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये पाठ जो है तुम कदा किम करोसी जो है ये पूरा होता है। धन्यवाद।